गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आए हुए एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री है जिसका नाम है सुभाषित मधुबिंदव। सुभाषित ऐसी भाषा जो बहुत ही सुंदर है, प्यारी है, मधुर है, पर कैसी है जो मधु यानी कि HONEY, हनी की तरह बहुत ही मीठी एंड प्यारी है। आज ऐसे सुभाषित के हम क्वेश्चन आंसर्स विद फुल एक्सरसाइज एंड ग्रामर के साथ हम इस पोएम को खत्म करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इसके सबसे पहले संस्कृत क्वेश्चन आंसर के द्वारा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, नो कुत्र न गच्छति। नो का यहाँ पर मतलब लिया गया है नाव यानी कि बोट। नो स्थले न गच्छति मतलब जो नाव है वो कभी रास्ते पे नहीं चलती है। वचः कुत्र वक्तव्यम् आंसर है वचः फलम् लभते वक्तव्यम्। क्वेश्चन नंबर 3 है कि त्रयम् स्वयं प्रसरति। त्रयम् वार्ता विद्या परिमलः जयम् स्वयं प्रसरति। चंद्रचूड़ जो कि यहाँ पर नाम दिया गया है भगवान शिव यानी कि महादेव का। चंद्रचूड़ नाम कह ये किसका नाम है? तो शिवस्य नाम अस्ति चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन इज द फिफ्थ। कह बलवान यस्य तेज विराजयते स बलवान अस्ति। तो ये रहे आपके संस्कृत संस्कृत क्वेश्चन आंसर। अब हम बात करेंगे इसके और डिटेल में, यानी खासकर जो सबसे ज्यादा मार्क्स मिलता है वो है शॉर्ट नोट का। एंड शॉर्ट नोट के अंदर सबसे पहली शॉर्ट नोट है कस्यम शुली ही। शुली यानी कि भगवान शंकर महादेव का और एक नाम है। कहते हैं ना इस दुनिया में आप सबसे जीत सकते हो, माता पिता और मित्र से भी, इवन अगर सही आर्गुमेंट करो तो गुरु से भी जीत सकते हो, पर एक ऐसी भी व्यक्ति है जिसका आप कभी नहीं जीत सकते हो, दैट इज WIFEY। और ये यहाँ पर मिलेंगे शंकर भगवान का एग्जाम्पल के द्वारा। पार्वती जी एंड शंकर भगवान का कुछ ऐसी कम्युनिकेशन बताई है जहाँ पर मजाक के मूड में है पार्वती जी, एंड शिव जी ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बहुत सारे नाम बताए पर हमेशा दूसरा मतलब लेके हमेशा पार्वती जी उसको परेशान करती है। जहाँ पर एक नाम आया था दैट इज शुली, जो यहाँ पर इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से है शॉर्ट नोट। In this poem, there is a dialogue with Parvati by Shiva. In this dialogue, Shiva's words fall short before Parvati's words. Because while answering the question put up by Parvati, the stanza that Shiva uses, that stanza is having two meanings. Thus, Parvati takes other meaning and continues to have further dialogue. In the end, Shiva's speech stops. By creating such a worldly situation, the poet finally has prayed to Shiva, who is rendered speechless, that is, stop speaking, to protect his worship, that is, all of you. Your use of pun creates wonder. तो ये थी हमारी बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट नोट। नाउ बात करेंगे शॉर्ट नोट नंबर सेकंड, जो कि है स्थूलेशु। अब बात करेंगे हम सेकेंड वाले हमारे शॉर्ट नोट जो इससे भी ज्यादा प्यारी एंड समझने जैसी है। स्थूलेशु कह प्रत्यय है, हमारे लाइफ के अंदर अलग अलग वर्ड के आगे अलग अलग प्रत्यय लगते हैं एंड वो वर्ड से उस वर्ड की खूबसूरती या समझने का तरीका चेंज हो जाता है। यहाँ पर है एलिफेंट के बारे में बात और उसकी बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पर शॉर्ट नोट है जो कुछ इस प्रकार से है। For controlling a big thing, a more big thing is required. This is a general public thinking, and here three examples have been given to explain that it is not always that for controlling a big thing is useful. Like to control an elephant, the hook used is not as big as an elephant, but it is small. Similarly, the lightning which dismembers a mountain is not as big as a mountain. The lamp spread is not as much as the darkness spread. A small lamp destroys darkness many times wider than it. For from this example, one should understand that it is not so that for doing a big work, a big thing is necessary, but a small and tiny thing can also do a big work. So, do not have trust always on big one. Small thing is also trustworthy for doing big works. तो थैंक यू वेरी मच खुशी जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू ये शॉर्ट नोट बताई। अब आगे चलते हैं जिसके अंदर हमें ध्यान देना है MCQ पे। MCQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करवाते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं एंड देन उसका आंसर हम टिक करते हैं।
बुध के की नयाति आंसर है शटकम। सेकंड है रागः कुत्र स्थायी भवति आंसर है शुक्लपटे। कस्य भाषितं पुनरुक्तं न भवति आंसर है सज्जनानां। यदि त्वं शूलीयसि तर्हि डैश मृगयः तो आंसर है वृषजः। एन हतवचा क वर्तयते आंसर चंद्रचूडः। स्थूलेषु क प्रत्यय इत्रत्र प्रत्यय पदस्य क अर्थ जो यहाँ पर स्थूलेषु शब्द दिया है उसका प्रत्यय कौन सा है तो उसका आंसर आएगा विश्वासः। तो हमारे एमसीक्यू भी उतने ही इंपॉर्टेंस है। काफी सारे बच्चे तो एमसीक्यू लर्न करके भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। नाउ आगे बात करेंगे हम जो हमारा है कंटेंट, यानी कि एक आपको वर्ड देंगे और आप उसको कह सकते हो विचार विस्तार। तो विचार विस्तार में है रागः शुक्लपटे यथाः। अब इसको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए एंड लुक देने के लिए कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन एंड फर्स्ट इंप्रेशन परफेक्शन वाली होनी चाहिए। तो हमेशा इसको फोर पार्ट में डिवाइड करिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, देन एग्जैक्टली उसका आंसर यानी कि ट्रांसलेशन लिखना है इंग्लिश में, एंड देन एक्सप्लेनेशन। लास्ट में आप अपने हिसाब से मोरल दे सकते हो। पर अगर आपको मोरल ना मिला तो जो आंसर यानी कि ट्रांसलेशन में लिखा है उसका थोड़ा आगे का पीछे, पीछे का आगे, यानी कि अपनी बुद्धि लगा के भी मोरल दे सकते हो। जैसे आपका फोर पार्ट में लिखा हुआ ये आंसर बहुत ही खूबसूरत सा कंटेंट लगेगा। तो चलो इसके आंसर के बारे में जानकारी लेते हैं। रागः शुक्लपटे यथाः। As dark color stays permanently on the white cloth. Explanation: This line has been taken from the poem Subhashita Madhubindavah. In this poem, it is said that the dark color stays permanently on the white cloth. It cannot be removed. In the similar manner, a human being should speak where his words carry importance and speech is fulfilled. This line indicates that a wise person should present his opinion or views in front of conceited and learned people, but he should remain silent in front of fools. This, what is the use of speaking in front of fools? As a dark spot on a white cloth stays permanently and cannot be removed, in the same manner, a dark spot on human being's character also becomes permanent. Such a person is condemned everywhere. Here, the poet advises that a person should speak only where his words carry importance. One should not speak anything anywhere. Sometimes, depending upon the circumstances, one should remain silent to maintain his self-respect. Here, the human being is advised what to speak, when to speak, and where to speak. तो कितना बढ़िया बताया कि जीवन के अंदर कहते हैं ना कि बोलना सबको आता है, पर कब बोलना, कितना बोलना, भाई साहब ये भी एक कला है। भगवान ने दी है हमें सारे शरीर के अंदर हड्डी, पर देखो भगवान ने हमें जीभ में हड्डी नहीं दी है। इसलिए कहते हैं ना कि कुदरत को ना पसंद है सख्ती जबान में, इसीलिए तो नहीं दी गई है हड्डी जबान में। तो आगे बढ़ते हैं एंड लेते हैं सेकंड नंबर। न भवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जनानाम। तो इसका सबसे पहले क्या लिखना है, यस ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन, लास्ट में मोरल देना है। तो सबसे पहले आंसर यानी कि ट्रांसलेशन लेते हैं जो ये है। द स्पीच सेड बाय द नोबल पीपल कैन नॉट बी रिवर्स्ड। एक्सप्लेनेशन: द प्रेजेंट श्लोका हैज बीन टेकन फ्रॉम सुभाषित मधुबिंदम। In this shloka, it is said that the words spoken by the noble people cannot be reversed. Here the poet indicates uniformity and determination in the speech, sincerity towards keeping promise, and stability of mind. Noble people always keep their promises, even if examples of people in history who sacrificed their life to keep their promises. So, it is truly said by the mountain Meru moves, if the fire becomes cool and poem, then even if the sun rises in the west, if the lotus grows on the top of the mountain, then also the speech said by the noble people cannot be reversed. It is a fact that if there is instability in noble people's cannot be speech, people will certainly lose trust in them. Therefore, it is said in the Ramayana that रघुकुल रीत सदा चलियाई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
यस, तो कोरोना काल के अंदर हमने भी रामायण देख रखी और हमें भी पता है कि यस रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन का बहुत बड़ा महत्व है और अगर उसके अंदर सदाचार नाम का मसाला ऐड कर दिया जाए तो जीवन के अंदर विचार और जीवन दोनों बढ़िया हो जाते हैं। नाउ आगे बढ़ेंगे, दैट इज द लास्ट, एंड ये है स्थूलेषु क प्रत्यय। ये जो प्रत्यय है उसके अंदर आपको फोर पार्ट में डिवाइड करना है। आंसर कुछ इस प्रकार से है। आंसर, हु ट्रस्ट्स बल्की बॉडी। एक्सप्लेनेशन, द प्रेजेंट श्लोका हैज बीन टेकन फ्रॉम सुभाषित मधुबिंदवः। In this shloka, it is said that the greatness is not attributed to big size. Small objects are also equally important. The poet suggests people to change their approach towards small things. We all know that it is not always true that to control a big thing is required. Often small objects control the big ones. The poet has given some examples, such as to control a big elephant, a small hook is required. The hook is not of the size of the elephant. Similarly, Indra's weapon Vajra is small, but it can break the huge mountains into pieces. Even a small lamp can remove huge darkness. Such a small object also can perform wonderful tasks. So, for a big task, we cannot rely upon the big things. It is necessary for us to realize the importance of small objects. तो इस तरह से हर एक छोटी चीज का भी अपना खुद का एक महत्व होता है और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज आगे बढ़ाते हुए हम चले जाते एक शॉर्ट नोट के ऊपर जो कि है भगवान शंकर के ऊपर, नाम है चंद्रचूड़। आगे भी हमने इसको देखा है शूली के रिगार्डिंग, पर यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है दैट इज चंद्रचूड़। आपने देखा होगा भगवान शंकर का खूबसूरत सा चेहरा एंड माथे पे जो जटा के ऊपर जो छोटा सा चंद्र होता है उसके कारण से हम उसको चंद्रमौली भी कहते हैं एंड चंद्रचूड़ भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर रिगार्डिंग क्या बताया गया है देखते हैं कुछ इस प्रकार से। Chandrachura. This adjective has been used for Shiva, who has moon in his mated hair. 27 daughters of Daksha Prajapati, that is 27 nakshatras, were married to moon. But out of those 27, moon had affection only for Rohini. So the rest of the daughters complained to their father. He cursed moon that he will diminish gradually. But all the daughters of Daksha, including Rohini, became worried about the miserable condition Moon had to go under the curse. They prayed to reverse the curse, but practically it was not possible. When a curse is given, it remains forever. So, if Lord Shiva bears it in his mated hair, then it will diminish for 15 days and increase for 15 days. So, from then onwards, Lord Shiva is bearing Moon in his mated hair. Thus, he started to be known as Chandrachud. From then onwards, the first half of Hindu month is called full moon day, during which the moon increases gradually and full lit moon is visible on the 15th day. तो इस तरह से हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे अलग अलग शब्द है। एक बात आपसे शेयर करना जरूर चाहूंगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण एंड सुदामा जी, जो कि मित्रता की सबसे बड़ी मिसाल है, एंड वहां पर सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि कृष्ण जी मुझे ये बताओ कि दोस्ती का मतलब क्या होता है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा कि देखो भाई, जहां पर मतलब आता है ना वहां पर दोस्ती नहीं आती है। तो मतलब एंड दोस्ती अलग ही है। ये अगर सोच हमें अपनी बनानी है तो हमें पढ़ना है सुभाषित, एंड वो भी बहुत ही मीठे और प्यारे। ये सारी चीजें आपके जीवन में बहुत काम आती है, चाहे बिजनेस हो या हमें रिलेशन मेंटेन करना हो। तो अच्छे अच्छे श्लोक पढ़ते रहो, समझते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर कोई भी डाउट से कमेंट्स में बताते रहो। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएगा और हम हमेशा आभारी रहेंगे खुशी सोनी एंड तेजस्विनी जी का। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी।